हैप्पी बर्थडे भाई। अरे थैंक यू भाई, कैसे हो? बढ़िया यार, तुम बताओ? बढ़िया। और आज का क्या सीन है? चलो फिर ठीक है, कोई नहीं यार, मिलते हैं फिर। बिल्कुल भाई, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हाँ बाबा, प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया। हाँ हाँ, कुछ नहीं, बस बाहर जाएंगे रात में खाने। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। कैसी बातें कर रहे हो? सेम सेट, सेम लाइटिंग, सेम एम्बियंस, तो ऐसा लगने लग गया सर अब की जिंदगी अपने में एक मोंटाज बन गई है और धीरे धीरे जो लगना है सर ये यकीन में तब्दील हो रहा है। इसीलिए तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट थे, मुझे बहुत पसंद थे तुम, क्योंकि तुम जिंदगी को भी जो है ना फिल्म की तरह देखते थे। सर अब उसी में मजा आता था तो वैसे ही देखता था। सही बात। बट To be honest, I think sir, this corporate life is taking a toll over my mental health now. और ये जो कसक है ये मुझे रोज रात अपनी करवटों में दिखती है और फिर महसूस कराती है कि मैं खुद से ही कितना दूर हूँ। पता है क्या है,
कभी मैं भी सोचा करता था कि आज फलाना डायरेक्टर के साथ काम करूं, सिनेमेटोग्राफर के साथ काम करूं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ मेरा उठना बैठना हूं। और फिर धीरे धीरे मुझे मेरी ये लाइफ तुम्हारे उस छोटे छोटे मोंटाज की तरह लगने लगी। और फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मेरे पास दो रास्ते हैं, एक जहां हूं उम्र भर वहां बैठा रहूं, और दूसरा आगे बढ़कर दूसरों को उनके सपने पूरे मदद आगे बढ़कर दूसरों को उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करूं। आज तुम भी उसी दुराहे पर खड़े हो, शायद हर शख्स खड़ा होता है, लेकिन क्या है कि देखो पहला रास्ता तुम्हें मालूम है और दूसरे रास्ते पे जाने के लिए तुम्हें तुम्हारी लेंस बदलनी पड़ेगी, समझे। देखो क्या है ना कि कॉल टाइम वहां भी होता था, यहां भी होगा, क्रू के साथ तुम वहां भी काम करते थे, यहां भी काम करोगे, डायरेक्टर की जगह तुम्हें गालियां देने के लिए यहां पे मैनेजर मिल जाएगा, और प्रोड्यूसर हर महीने की पहली तारीख को तुम्हारे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट कर देगा। और रही बात एम्बियंस की, तो ये समझ लेना कि शायद किसी लाइब्रेरी से उठाया, तो फिर तो बचा क्या, बस तुम्हें वही करना है जिसमें तुम बेस्ट हो, जिंदगी की लाइटिंग संभालो। और उसके बाद भी अगर सीन समझ ना आए ना, तो यार एंगल चेंज करके देखो, डोंट टेक स्ट्रेस, ज्यादा सोचना नहीं, स्टे इन टच, ओके। बिल्कुल सर। और सब ठीक ठाक? बढ़िया। मैम कैसी हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक है? बिल्कुल सर। गुड, ठीक है, आगे का क्या प्लान है जरूर बताना, ठीक है? बिल्कुल सर। मिलते हैं फिर दो हफ्ते बाद। हाँ बाबा प्रणाम। हाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ अब तो मन भी लगने लगा है। अच्छा बाबा मैं रास्ते में था, जरा घर पहुंचे करता हूँ आपको फोन।